आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। ठीक है मोहम्मद दानिश, आप जो है अपनी जो परेशानी है या आपकी जो खुशी है आप हमें शेयर करेंगे, क्योंकि आज जो है आपने स्कूल छोड़ दिया है, क्योंकि आप आज स्कूल जाते थे और आज आप अपने स्कूल छोड़ दिए हैं, तो आखिर क्यों अपना स्कूल आपने छोड़ दिया? आप कहाँ से आए हो, किधर रहते थे, सारी बातें आप हमें बताओगे? ठीक है चलिए आप शुरू कीजिए। मैं गांव में रहता था, हमारे गांव का नाम है तिलौठी, हाथरस के पास, मामा हमारा जिला है मामाया नगर, और मैं जो है ना हमारे चिचन ने जो है वहाँ पर भेज दिया मदरसे में, और मदरसे में मेरा बड़ा वाला जो भाई है यहाँ से गए थे मुझे बुलाने के लिए, और वहाँ से आया, फिर मैं वहाँ से ढूंढने के लिए यहाँ पे आ गया, फिर अब्बू की खबर पता पड़ी कि वो वहाँ पर डेयरी में रह रहे हैं, फिर वहाँ पर मैं पता पड़ी कि अब्बू जो है जेल में चले गए, फिर इस वजह से मैं मदरसे में नहीं रह पाया, गया नहीं था, फिर मैं लौट के। तो क्या मदरसे वाले ने तुम्हें निकाल दिया? इन्हें निकाला नहीं था, अब छुट्टी लेके आए थे। अच्छा छुट्टी लेकर आए थे, पापा का ऐसा क्या हुआ था साथ में कि वो उनको जेल जाना पड़ा? उन्होंने आछुक लगा दिया मर्डर करने का, इल्ज़ाम लगा दिया मर्डर का। अच्छा तो जो है उसके बाद पापा के साथ क्या हुआ, आपके पापा छूट गए? हाँ अब तो आगे निकल के 2 महीने रह के आए, फिर 2 महीने हमने भैंस का वो काम करा, भैंस वैस का काम किया। हाँ अच्छा ठीक है, और फिर माँ से निकले, उन्होंने हमारे ऊपर आज उसका इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का, कहें ये आटा बेचते हैं क्या वो करते हैं। किसने इल्ज़ाम लगाया था? जिन्हों की डेयरी थी उन्होंने मालिक ने। मालिक ने तुम्हारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया था? हाँ हमारे अबू आ गए थे। तो मालिक को कैसे पता चला था तुम्हारे? किसने बताया था उनको? उनकी डेयरी में ना एक औरत रहती थी, वो भी हमसे बहुत चलती थी। अच्छा। जो कोई भी आया था ना वह डेयरी में वो उनसे बहुत चलती थी। अच्छा। कोई भी पहुँच जाए रहने के लिए, तो उन्होंने कह दिया, उन्होंने हमें निकालने की कोशिश करी, हम निकल ना पाए, फिर उन्होंने सोचा कि हमें इन्हें ऐसे ना ऐसे निकालेंगे, चोरी का नाम डुबा दिया। अच्छा। उन्होंने नवेद अंकल से तो, कह के हाँ फिर कह दी कहा थे कि ये इन्होंने आटा बेका दोपहर में और ऐसे ऐसे करा, फिर उन्होंने नवेद अंकल को पता पड़ा, फिर अब्बू को पता पड़ा, अब्बू ने कहा कि चल मैं तेरा डेयरी खाली कर रहा हूँ, फिर उन्होंने कमरा देकर लैंड पार गए, लैंड पार रह के फिर यहाँ से यहाँ पे आए, ये अरमान के पापा के और। अच्छा अरमान के पापा के घर पे आप आ गए, ये उम्र जो है। हाँ ठीक है, फिर वहाँ पे एक प्लॉट पड़ा खाली सा, फिर हमने वो छत वत संवारी और पन्नी वन्नी डाली, गटर वटर बनाया हमने अपने हाथों से, जब जाके हम उसमें रहिए, फिर किराया देने लगे 1500 रुपये उस वाले घर में, दूसरे घर में रहने लगे हम उससे। अच्छा एक बात बताओ कि तुम्हारे सामने जो प्लाट खाली था, अरमान के सामने जो प्लाट खाली था, तुम उसमें जो है रहने लगे, ठीक, तो क्या उस प्लाट वाले ने तुम्हें वहाँ से निकाला था या फिर जो है तुम खुद ही हट गए वहाँ से? निकाला नहीं था हमने ना, वो दूसरा हमें दूसरा कमरा चाहिए उसमें, ना तो लाइट थी ना कुछ भी ना उसमें। अच्छा हम तो अब्बू बोले मैं दूसरा कमरा लेंगे या मैं ना रहूँगा। अच्छा ठीक है, तो 1500 रुपये माँ पे देते रहे, फिर माँ से अपने भाई के घर में आ गया। अब अपने भाई के घर में हो? हाँ। क्या वो भाई तुम्हारे सगे भाई हैं? नहीं बहन हुई है हमारी। अच्छा तुम्हारे बहन हुई है, तो क्या तुम्हारी बहन बड़ी बहन है कोई? नहीं हमारे मामा की लड़की है। अच्छा वो मामा की लड़की है, ठीक है। अच्छा ये बताओ उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उस वजह से फिर माँ से मैं काम पे लगा, सिलाई का काम सीखा 6-7। किसने कहा था तुम्हें कि सिलाई के काम पे लग जाओ? जी उन्होंने कहा था भाई साहब ने, जिन्होंने कौन से भाई साहब ने? जिन्हों के पास अब काम कर रहा हूँ। अच्छा उन्होंने वो गए उमर के पास, उमर ने मना कर दी, फिर मैं गया, मैंने कि भाई साहब मुझे लगा लो चलो। तुमने खुद कहा था? हाँ जी आंटी। अच्छा तो मैंने कि मुझे लगा लो, जब मैं पढ़ना नहीं था ना। अच्छा क्यों? मैं पढ़ना रही था। अच्छा पढ़ नहीं रहे थे इसीलिए जो है तुमने कहा कि इस तरह से घूमने से अच्छा है कि मैं पढ़ने वहाँ काम पे लग जाऊँ। जी ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके उन्होंने बाद काम पे लगा, फिर उन्होंने ईद पर तोहफा वोहफा दिया, और तोहफे में क्या था? एक जोड़ी पैंट और शर्ट ही। अच्छा पैंट शर्ट था। और 50 रुपये दिए थे। 50 रुपये दिए थे ईद पे। हाँ ठीक है, उसके बाद उन्होंने बाद फिर मैं हटेगा उन्होंने पास से ही। क्यों हट गए? फिर क्योंकि अब्बू जो है ना दूसरी दुकान देख के आए थे मेरे लिए, नो कह रहे कि वो पूरा काम सीख रहा है, कोट पैंट और कुर्ता पैजामा और सूट सलवार जंपर वम्पर सब सिलने जानते हैं वो,
तो रब्बू ने उनसे बात करी मेरी, तो हमारी बात करी उन्होंने से। फिर मैं गया उन्हों के पास, मैं कि हमारे अब्बू जो तुम्हारे पास काम की पूछने गए पूछ के गए थे, तो वो कह रहे थे हाँ करके गए थे, तो मैंने कि कल से आऊँगा, तो मैं कल से गया। फिर आपके पास मैं आपके पास आया, आंटी से कहा मैंने कि आंटी मुझे भी काम पे लगा लो अपने साथ अपने यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले तो तुम जब वो पहले वाले भाई साहब के पास अपने जाते थे तुम, ठीक, तो वहाँ पर ये बात थी कि तुम्हें वो सिखा रहे थे, कैसा सिखा रहे थे तुम्हें वहाँ पे? वो तुरपाई करा रहे थे, और तुरपाई के बाद फिर मैं यहाँ से पढ़ के यहाँ से जाता, फिर मैं वहाँ पर बैठ जाता काम पर रोटी वोटी खा के। मैं यहाँ पे नहीं आता था पहले, उस मैं वक्त तुम यहाँ नहीं आते थे, सिपारा पढ़ने जाता था मैं, पल्ला कहीं और पढ़ने जाते जी, थे सिपारा पढ़ने के। ठीक है, तो उसके बाद ही तुम फौरन काम पे दूसरे किसी भाई साहब के पे लग गए? नहीं नहीं ना, आपके यहाँ पे पढ़ रहा था जब, तो मतलब मैं उस बात की कह रही हूँ कि जब वो पहले वाले भाई साहब के यहाँ से पहले वाले भाई साहब के पास जब तुम काम पे लगे थे, तो उन्होंने तुम्हें सही से सिखाया? जी सिखाया तो था, फिर दूसरे दिन कभी गैस भरवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी कुछ ऐसे कर। अच्छा कभी कभी कुछ भी ऐसा काम रह जाता था तो वो काम तुमसे कराते थे? हाँ। ठीक, लेकिन जो है कि जिस काम के लिए तुम गए थे, सीखने के लिए गए थे, तो उनके पास पूरा वो काम तुम सीखे? जी नहीं। उन्होंने सिखाया तुम्हें? जी नहीं। क्यों नहीं सिखाया? कभी पूछा तुमने उनसे बारे में? कुछ कहते थे तुम कि भाई साहब मुझे नया चीज़ सिखाइए, नया चीज़ सिखाइए, कुछ कहते थे? तुम कहते ही नहीं थे। ठीक है, तो अच्छा तुम ये बताओ कि उसके बाद तुम कितना महीना तक उनके पास सीखे? ऐसे चलता रहा, कभी जीवन कट जाता आटा लेने के लिए, कभी मैं उन्हों के पास से ज़्यादा लग के नहीं गया था, मैं इस वजह से सीख नहीं पाया। तुम नहीं लग कर गए थे? हाँ। लेकिन मैंने तो देखा था कि तुम एकदम सिलाई के लिए बहुत ज़्यादा उतावले थे कि अभी मुझे जाना है, मुझे मतलब तुम यहाँ से तुम कह के जाते थे कि तुम जो है सिलाई सीखने जा रहे हो, तो वो तुम्हें काम पे नहीं लगा के तुम्हें दूसरे काम पे भेज देते थे वो। हाँ, घर का काम कराने में। कभी तो अपने जब मैं यहाँ से जाता था तो उन्होंने गैस खत्म हो जाती नहीं, जब भरवाते हैं वो अपनी अवन, वैसे तो वो अपने आप ही भरवा के लाते हैं, जब उन्हों को काम पड़ जाता है और उन्हों को ज़्यादा अर्जेंट काम है तो मुझे भेज देते हैं गैस वैस कर भरवाने के लिए। अच्छा अर्जेंट काम पड़ने पर तुम्हें भेज देते थे, लेकिन जो है जब जैसे सिखाते थे वो तुम्हें, मतलब क्या काम करने के लिए देते थे? कौन सा काम? कटिंग तो वहीं पर करवा के लाते हैं अपने, उन्हों के जो उस्ताद है ना हमारे भाई साहब के, वो पल्ली दुकान पर करवा के लाते हैं, और सिलाई यहाँ पर करते अपने घर पर। अच्छा सिलाई यहाँ पर होती थी और तुम सिलाई उनके साथ करते थे? ठीक है, तुरपन भी करता था, तुरपन करते थे। लेकिन जब हमारे पास आए तुम, तो हमने तुमसे पूछा था कि तुमने क्या क्या सीख लिया, तो तुमने कहा था तुरपन सीख लिया हूँ, है ना? तो तुम, और हमने पूछा भी था कि तुम क्या क्या सीख रहे हो, तो तुमने ये कहा कि मैं जो है तुरपन जो है वो अच्छे से कर लेता हूँ, है ना? तो तुम सारे दिन वहाँ पे क्या तुरपन ही करते थे, या कभी कुछ मशीन वशीन पे भी बैठते थे? मशीन ही नहीं थी उनके पास, मैं इस वजह से तुरपन पे लगा रहता, सिर्फ और सिर्फ तुरपन पे लगे रहते थे। ठीक है, उसके बाद कभी उन्होंने, जब तुरपन तुम इतना सब करते थे, तो क्या उसके बदले में तुम्हें वो पैसे वैसे भी देते थे? जी कुछ नहीं देते, कुछ अब नहीं आगे देने लगे, कुछ नहीं, उस वक्त कुछ भी नहीं देते थे तुम्हें। ठीक है, अपने घर पे ही खिलाते और सब कुछ अपने घर पे करवाते मेरे, मतलब तुम्हें खिलाते पिलाते थे वो? हाँ, सारा पेट भर खाना देते थे तुम्हें, उसके बाद जो है तुमसे काम लेते थे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें पैसे नहीं देते थे। ठीक है, उसके बाद फिर जो है तुम सीधे, तुम्हारे भाई यहाँ पर आए, हाँ तुम्हारे भाई तो यहाँ आसिफ जो है बहुत पहले से पढ़ते थे यहाँ पर, वो तुम्हें उस दिन लेकर आए हमारे घर पे कि अपी ये भी पढ़ेंगे, तुमने खुद अपने मुँह से कहा कि हाँ अब मैं भी पढ़ूँगा, तुम्हें यहाँ की पढ़ाई अच्छी लगी कि कैसी लगी थी, तुम उस बारे में बताओ कैसा लगा था तुम्हें? मेरे आसिफ ने बताया था कि हमारी ये कप्पी है उनके पास पढ़ने चला करो, और बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो, तो मैंने कि चल मैं कल से चलूँगा। फिर तो मैंने भाई साहब से पूछी, मैं भाई साहब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इस वजह से मुझे छुट्टी दे दो, वो उन्होंने कह रहे कि चल देखिए एक बार पढ़ाई करके देखे, अगर अच्छी लगे तो बताइए मुझे, ना तो कोई बात नहीं फिर काम पर करिए। तो मैं फिर यहाँ पे आया एक बार, यहाँ तो मैं आपके पास आया, तो कैसा लगा था तुम्हें? मुझे अच्छा लगा था। अच्छा लगा था तुम्हें? ठीक है, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा था, तभी तुमने यहाँ पर पढ़ना शुरू भी किया था, और तुम अब पढ़ने लगे थे यहाँ पर। फिर यहाँ से पढ़ते पढ़ते तुम जाते थे वहाँ पर काम करने के लिए? कभी कभी जाता हूँ, हम्म, कभी कभी
कभी कभी तो नहीं जाते थे, रोजाना जाते थे तुम? जाता था ना, कभी कभी निकल जाता मैं डोलने। अच्छा, डोलने के लिए, घूमने के लिए तुम निकल जाते थे। तो उसके बाद जो है तुम्हारी ये परेशानी आई बीच में कि तुमने यहाँ पर जो है हमारे पास जो है तुम अच्छे से पढ़े, उसके बाद जो है यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन सर सैयद अहमद खां जो ज़्रेन्स चलाती है, इसको जो ज़्रेन्स जो है एक सोशल सर्विस का काम करती है, सोशल सर्विस करती है जो ऐसे बच्चों को पढ़ाती है लिखाती है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती है जिसका नाम सर सैयद अहमद खां ऑर्गेनाइजेशन, आपसे अच्छा कौन है। तो इसमें तुम पढ़ने के लिए आए, तुम्हें बहुत अच्छा लगा और इसने जो है तुम्हारा स्कूल में, सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया, उस वक्त तुम बहुत खुश थे। हम तुम्हें तुम्हारी पिक्स वगैरह भी दिखाएंगे कि तुम बहुत खुश थे उस वक्त, ठीक है। और तुम जो है उसमें ये भी था कि तुम पढ़ने के लिए, अब तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा करने लगा था पढ़ने के लिए, ठीक है। तो मैंने एक दिन सुना कि तुम इस पढ़ाई से अब थोड़े बोर हो गए, है ना? आखिर क्या हुआ था पढ़ाई में कि तुम बोर हो गए पढ़ाई से भी? समझे नहीं, इसका मतलब यह है कि अब तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, क्यों? मैं सिलाई का काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते थे सिलाई का काम, ठीक है, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लगता था। तो एक बार और मैंने तुमसे ये बात पूछी थी कि दानिश जो है तुम पढ़ने कभी जा रहे थे अब स्कूल, कभी नहीं जा रहे थे, तुम्हारा अब दिल मतलब स्कूल जाने के लिए नहीं कर रहा था। तो मैंने तुमसे पूछा तो तुमने ये कहा था मुझसे कि तुम्हारे पापा जो है कह रहे थे कि तू बहुत पढ़ लिया, आप तुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा काम वाम पे ध्यान दे। कहा था तुम्हारे पापा ने ऐसा? कैसे कहा था? यो कह रहे के काम कर ले बेटा, पढ़ाई पढ़ाई तो बाद को देखूंगा, अगली साल करवा दूंगा तेरा एडमिशन। अगली साल एडमिशन करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये बात पता थी कि तुम एक स्कूल जा रहे हो, है ना, स्कूल जा रहे हो और तुम्हारे पापा कह रहे हैं इस साल बेटा रहने दे, तेरा अगले साल नाम लिखाऊंगा मैं, है ना। तो उसके बाद तुमने उनकी बातों पे, क्या तुम्हें वो मारते वारते भी थे? नहीं, मारते वारते नहीं। इसके लिए कि अब चल तू रहने दे बस कर, तुमने कुछ नहीं कहा इस बारे में पापा से? मैंने यूँ कहा था मैं पढ़ लूँगा और काम भी सीखूँगा, दोनों काम कर लूँगा। तो तब क्या कहा पापा ने? यूँ कह रहे थे या तो पढ़ाई कर या फिर काम कर, अगर तेरा दिल करे तो दोनों चीज़ कर, नहीं तो मेरे दिल से तो ये है कि अब काम कर ले और अगले साल में तेरा एडमिशन पक्का करा दूँगा। अच्छा ठीक है, कि पापा ने ये कहा तुमसे कि इस साल रहने दे, इस साल तू काम सीख ले और तू जो है अगली साल पढ़ना, अभी छोड़ दे तू पढ़ाई, है ना। तो उसके बाद फिर तुम जो है यहाँ पर कहना चाहिए था कि पापा मेरा एडमिशन हो गया है, इस साल मैं पढ़ लेता हूँ, अगला साल भी काम सीख सकता हूँ। हाँ, ये भी तो तुम कह सकते थे क्या? तुम्हारा दिमाग, तुम 15 साल के बच्चे हो गए हो और तुम्हें ये अकल नहीं है कि पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 में मेरा एडमिशन हो गया, मुझे पेपर दे लेने दीजिए फिर मैं काम सीख लूँगा। हाँ, और वैसे भी तो तुम तो जाते ही थे ना काम पे, काम पे तो जाते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। तो फिर तुम्हें इस बात को पापा ने नहीं समझाया कि बेटा तेरे लिए तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये बात तो तेरे लिए अच्छी है कि तू पढ़ने भी जा रहा है, तू पढ़ने भी जा रहा है और तू काम भी सीखने जा रहा है। तो अब जो है ये पापा क्यों कह रहे हैं इस बार तुम्हें कि इस साल तू रहने दे पढ़ाई, इस साल तू काम सीख, अगले साल मैं तेरा काम कराऊंगा, मैं तेरे पढ़ाऊंगा। तो तुमने मतलब अपना दिमाग नहीं लगाया थोड़ा बहुत? कह रहे थे, क्या कहते हैं कि अब तू ये बहुत है ना काम कर लिया, अब मैं तुझे अगले साल पढ़ाई करवाऊंगा तेरी, या तो तेरा काम छुड़वाऊंगा, जहाँ तू पढ़ रहा है वहाँ भेजूंगा तुझे पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, और या तो काम सीख ले, ढंग से सीख रहा है तो मैंने जा रहा है इसे, मैंने तुझसे कही कि यही साल सीख रहा है जो सीख रहा है, अगली साल तेरा एडमिशन करा दूंगा। और कल कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? अभी छोड़ो, अभी कल क्या कह रहे थे वो पॉइंट पे आएंगे हम लोग, ठीक। अभी ये बात तो हो गई कि तुम्हारे पापा ने ही पहले कहा कि तू अभी पढ़ाई छोड़ दे और काम सीख, ठीक। तो तुम इसी वजह से काम पे मतलब पढ़ाई छोड़ दिया, अब तुम काम पे ही लग गए कि मैं ध्यान से लगा के काम ही करूँगा, है ना, यही बात है। तो उसके बाद जो है फिर तुम्हारा ये बात हुआ कि तुम यहाँ कुछ हमारे यहाँ आए, तुम्हें पैसे की तुमने बताया कि हमें बहुत ज़रूरत है, पापा जेल चले जा चुके हैं, वहाँ पे उनको वो चीज़ होगी,
हाँ, रिहाई के लिए उनको 40,000 रुपए की ज़रूरत पड़ रही है। तो आंटी ने तो के तुम्हें कहा तुम्हें आंटी ने कुछ भी नहीं कहा इस बारे में, है ना? तुमने खुद आंटी से क्या कहा था? आंटी से हमने कहा था कि आंटी हमें काम पर लगा लो अपने अपने यहाँ पर। ठीक है आंटी, हमें यहाँ काम पर लगा लो, आपसे जो बन पाएगा आप हमें दे दीजिएगा। हाँ ये कहा था तुमने। ठीक है चलो, ये बात भी हो गई। उसके बाद तुम्हारा आंटी के पास भी दिल नहीं लगा, है ना? उसके बाद तुम कहाँ गए? क्या आंटी के पास से तुम्हें जो चीज़ें मिल रही थी वो कम थी, इस वजह से तुमने उस चीज़ को आंटी के काम को छोड़ दिया? माँ पर लग गया सीख लूँगा। अच्छा, बस ऐसे ही छोड़ दिया कि जो है मुझे वो सीख लूँगा तो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, है ना? तो हाँ ठीक है, आसिफ को लगा दिया। उसके बाद तुम ये बताओ कि तुम जब वहाँ जा दूसरे भाई साहब के पास क्या सीखने गए थे? अलमारी का काम। तो जब अलमारी का काम सीखने गए तुम, तो मतलब क्या हुआ था अलमारी के काम में? कौन तुम्हें मतलब वहाँ सिखा रहा था? हमारे जिन्होंने हमारे खाला के लड़का सिखा रहे थे, जो मुझे यहाँ से ले गए थे, जो तुम लेके गए थे घर से ले गए थे। कौन ले गया था घर से? अरमान। ये जो अरमान है, ये नहीं थे। हाँ ये हमारी खाला के लड़का है। अच्छा अरमान जो है वो ले गए तुम्हें यहाँ पर। किसने किसने और कहा था कि तू जो है ये जो काम सीख ले तो तू अच्छा कर लेगा? खाला। खाला ने आपके कहा था, अरमान उनका लड़का है और तुम्हें उसने ही जो है ये बात कही। तो अच्छा ये बताओ, क्या अरमान पढ़ने वढ़ने जाता है? जी नहीं, वो भी पढ़ने नहीं जाते थे, वो घूमते रहते। अच्छा, तो उन्हों की अम्मी ने बोला कि तू बहुत बहुत घूम लिया और तू भी काम पे लग। उन्होंने दोस्त हैं वो भी काम पे जाते थे, तो उन्होंने कहा कि चाची ऐसा करो, ऐसे अपने लौंडे को मेरे साथ भेज दे करो काम पे। तो उन्हों के साथ में वो काम पे लग के फिर खाला हमारे पास आई, अम्मी पास आई, फिर अम्मी से बात करी, अम्मी ने मुझसे बात करी। अच्छा चलो ये ठीक सब बातें कुछ ठीक है ठीक है, ये बात उसके बाद आप ये बताओ तुम कि तुम्हारा जो तुमने खाला के कहने पर तुम वहाँ पर गए अब काम करने के लिए, और वहाँ पर भी तुम्हें कुछ परेशानी हुई, जिसकी वजह से कौन सी परेशानी आई, क्या हुआ था कि तुमने जो है वो काम छोड़ दिया? अम्मी गाँव में चले गई थे, इस वजह से मैंने छोड़ दिया, रोटी पानी की वजह से। अच्छा, रोटी पानी जो है कोई बनाने वाले नहीं था, इस वजह से तुम बना रहे थे तो तुमने छोड़ दिया वहाँ का काम। उसके बाद जो है उसके बाद फिर तुम कहाँ पे मतलब किसने तुम्हें फोर्स किया कि तुम दोबारा जिसको तुमने छोड़ दिया है उसी के पास तुम लग जाओ? भाभी। कौन सी भाभी ने? यही जो मुस्कान भाभी। मुस्कान भाभी कौन है? अभी नाम जो लिखवाया। अच्छा, ये मुस्कान भाभी जो है ये तुम्हारी अरमान की है, अरमान की जो वो है भाभी। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा था, किस तरह से कहा था? था कि अब दाने दाने से अपने भाई साहब के पास लग जाओ काम पे, तुम्हारे बिन उनको कुछ काम नहीं चल रहा, और ऐसे तुरपन करवा देंगे, और मशीन भी आ जाएगी तुम्हारी, दूसरी मशीन भी पड़ी है तुम्हारे वहाँ पे तुम्हारी वाली, और वहाँ पे काम सीख दे जो मन चाहे, जो तुम जो सीख सकते हो तुम वहाँ पे। अब सीख रहे हो? हाँ। अब सीख रहे हो, मन का अपना सीख रहे हो। हाँ। मशीन आ गई है, हर चीज की मशीन है उनके पास, पीको की मशीन लेके आएंगे अभी। नो कह रहे पीको की मशीन है ना अभी। अच्छा, सिलाई की मशीन है, तुम्हारा मन पसंद का काम हो रहा है वहाँ। हाँ। एकदम अब मन से कर रहे हो। हाँ। अब तुम्हारा अच्छा लग रहा है वहाँ पे, सब कुछ सिखा रहे हैं वो। तुमने अभी तक तो जहाँ तक मैंने लिखा है तुम्हारी बातें उसमें से तो तुमने कुछ भी नहीं सीखा, बस सिर्फ एक क्या सीखा है, ब्लाउज सीखा है, और दूसरा जो है तुमने तुरपन जो वो पहले वाली चीज है, ऐसा कुछ भी खास बात नहीं है इसमें, ठीक। और तुमने जो है उसके बाद भाई साहब से तुमने अभी कुछ बात की कि भाई साहब मैं स्कूल भी जाया करूं थोड़ा? नहीं, मैंने कहा था कि क्या कहते हैं अब पेपर चल रहा है, मुझे पेपर दे देने 7 तारीख तक, तो यूँ कह रहे या तो पेपर ही कर ले या काम ही कर ले। अच्छा, भाई साहब ने ये कहा, ठीक है। और तुम्हारा जो भाई ये था कि भाई को तुम्हारे वहाँ पर कॉपी दी जाती थी तुम्हारी भी काम करने के लिए, क्या इस बारे में तुम्हें पता है कुछ? तुम्हारी कॉपी जो है, तुम्हारा जो टेस्ट का कॉपी था वो तुम्हारे भाई आसिफ को दिया जाता था कि आसिफ जो है आप अपने भाई का भी ये काम कर दो, है ना? उसने बताया है मुझे।
देखो पेपर जो था ना, पेपर जो एग्जाम पेपर तुम्हारा एग्जाम अभी चला था जिसकी बात कर रहे हो तुम, हाँ वो पेपर, तो उसमें जो है ऐसे ही तुम्हें लिखने के लिए मिला था, ठीक, आंसर आंसर लिखने के लिए, उत्तर लिखने के लिए तुम्हें कॉपी दी गई थी। मुझे नहीं दी। तो ये तुम्हें नहीं दी गई थी क्योंकि तुम स्कूल नहीं जाते थे। तुम्हारी जो कॉपी होती थी ना वो तुम्हारे भाई आसिफ को दी जाती थी कि आसिफ ऐसा करो तुम इस पे जो है वो काम कर दो, अपना भी कर दो अपने भाई का भी कर दो, इसलिए कर दो कि तुम्हारा भाई जो है नहीं भी आता है तो भी ये जो है उसका काम होता रहेगा, ठीक। जो तुम्हें आज ड्रेस मिलने वाला है, जो तुम्हें आज जूते मिलने वाले हैं, ठीक है, जो मैम कह रही हैं ना तुम्हें कि तुम्हें जूते मिलेंगे, तुम्हें ड्रेस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तुम आ जाओ स्कूल, तो वो तुम्हें जो है ना तुम्हारा पेपर जो तुम्हारा कॉपी था वो तुम्हारे भाई को देती थी काम कराने को। तो तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? आसिफ ने कुछ नहीं बताया तुम्हें इस बारे में? कुछ भी नहीं बताया। कुछ भी नहीं बताया है, अच्छा। तो उस मतलब जो है तुमने पढ़ाई छोड़ दी, तुम जो है वहीं पर जाते रहते हो, स्कूल के पास ही जाते रहते हो, वहाँ के बच्चों ने बहुत बार तुम्हें देखा है वहाँ पे? मैं तो कई बार नहीं गया, कई कभी नहीं गया। साइकिल से सिर्फ, हाँ साइकिल से तुम जो है वहाँ स्कूल के बाहर खड़े रहते थे, तुम्हें बहुत सारे बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने और यहाँ जो पढ़ने आते हैं बच्चे, उन सब ने तुम्हें देखा है वहाँ पे खड़े रहते थे। आंटी मैं तो जाता ही ना। अच्छा तुम्हारे भाई साहब ने क्यों मना कर दिया? तुम पेपर देने के लिए कह रहे थे तो क्यों मना कर दिया? उन्हें क्या फायदा दिखा तुम्हारे में? क्या फायदा दिखा? तुम्हारा फायदा यही दिखा कि तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ हो रही थी, इसलिए वो फायदा उन्हें दिखा कि वो तुरपन उपन जो करवा